बड़ी है। स्कूल और हॉस्टल के निर्माण से शिक्षा का स्तर और बेहतर हुआ है। आज प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सैकड़ों विद्यार्थी को रहने खाने और लाइब्रेरी की सुविधा दी जा रही है। देवकाज और देशकाज का इससे बेहतर उदाहरण भला क्या हो सकता है। ऐसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए रबारी समाज प्रशंसा का पात्र है। रबारी समाज को प्रशंसा बहुत कम मिलती है। भाई और बहनों, आज देश सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रहा है। ये भावना हमारे देश में कैसे रची बसी है, इसके दर्शन भी हमें बाड़ीनाथ धाम में होते हैं। ये ऐसा स्थान है जहां भगवान ने प्रकट होने के लिए एक रबारी चरवाहे भाई को निमित्त बनाया। यहां पूजा पाठ का जिम्मा रबारी समाज के पास होता है, लेकिन दर्शन सर्व समाज करता है। संतों की इसी भावना के अनुकूल ही हमारी सरकार आज देश में हर क्षेत्र हर वर्ग के जीवन को बेहतर बनाने में जुटी है। मोदी की गारंटी, ये मोदी की गारंटी का लक्ष्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े देशवासी का भी जीवन बदलना है। इसलिए एक तरफ देश में देवालय भी बन रहे हैं तो दूसरी तरफ करोड़ों गरीबों के पक्के घर भी बन रहे हैं। कुछ ही दिन पहले मुझे गुजरात में 1.25 लाख से अधिक गरीबों के घरों के लोकार्पण का और शिलान्यास का अवसर मिला। 1.25 लाख घर, ये गरीब परिवार कितने आशीर्वाद देंगे आप कल्पना कीजिए। आज देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है ताकि गरीब के घर का भी चूल्हा जलता रहे। ये एक प्रकार से भगवान का ही प्रसाद है। आज देश के 10 करोड़ नए परिवारों को नल से जल मिलना शुरू हुआ है। ये उन गरीब परिवारों के लिए किसी अमृत से कम नहीं है जिन्हें पहले पानी के इंतजाम में दूर दूर तक जाना पड़ता था। अपना उत्तर गुजरात वाणा तो खबर दे बराबर के पानी माटे केटली तकलीफों पड़ती थी। बबे 3-3 किलोमीटर माथे बेड़ा लेने जाऊ पड़त। मने याद छे जयरे मैं सुजलाम सुफलाम योजना करी त्यारे उत्तर गुजरात ना कांग्रेस ना धारासभ्य मैंने कही गया था कि साहेब आउ काम कोई न करी सके, अन तबे जे काम करू छे ने ये 100 वर्ष सुधी लोको भूलशे नहीं। साक्षी है बेटा जे।
साथियों, बीते दो दशकों में हमने गुजरात में विकास के साथ साथ विरासत से जुड़े स्थानों की भव्यता के लिए भी काम किया है। दुर्भाग्य से आजाद भारत में लंबे समय तक विकास और विरासत उसके बीच टकराव पैदा किया गया, दुश्मनी बना दी। इसके लिए अगर कोई दोषी है तो वही कांग्रेस है, जिन्होंने दशकों तक देश पर शासन किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने सोमनाथ जैसे पावन स्थल को भी विवाद का कारण बनाया। ये वही लोग हैं जिन्होंने पावागढ़ में धर्म ध्वजा फहराने की इच्छा तक नहीं दिखाई। ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक मोढेरा के सूर्य मंदिर को भी वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर देखा। ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर भी सवाल उठाए, उनके मंदिर निर्माण को लेकर रोड़े अटकाए। और आज जब जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है, जब पूरा देश इसे खुश है, तो भी नकारात्मकता को जीने वाले लोग नफरत का रास्ता छोड़ नहीं रहे। भाइयों और बहनों, कोई भी देश अपनी विरासत को सहज कर ही आगे बढ़ सकता है। गुजरात में भी भारत की प्राचीन सभ्यता के अनेक प्रतीक चिन्ह है। ये प्रतीक इतिहास को समझने के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अपने मूल से जोड़ने के लिए भी बहुत जरूरी है। इसलिए हमारी सरकार का ये निरंतर प्रयास रहा है कि इन प्रतीकों को सहजा जाए, इन्हें विश्व धरोहरों के रूप में विकसित किया जाए। अब आप देखिए, वडनगर में खुदाई में नया नया इतिहास कैसे सामने आ रहा है। पिछले महीने ही वडनगर में 2800 साल पुरानी बस्ती के निशान मिले हैं। 2800 साल पहले लोग वहां रहते थे। 2000 में भी कैसे प्राचीन भारत के दिव्य दर्शन हो रहे हैं। ये भारत के गौरव है। हमें अपने इस समृद्ध अतीत पर गर्व है। साथियों, आज नए भारत में हो रहा हर प्रयास भावी पीढ़ी के लिए विरासत बनाने का काम कर रहा है। आज जो नई और आधुनिक सड़कें बन रही हैं, रेलवे ट्रैक बन रहे हैं, ये विकसित भारत के ही रास्ते हैं। आज मेहसाणा की रेल कनेक्टिविटी और मजबूत हुई है। रेल लाइन के दोहरीकरण से अब बनासकांठा और पाटन की कंडला, टूना और मुंद्रा पोर्ट से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे नई ट्रेन चलाना भी संभव हुआ है और मालगाड़ियों के लिए भी सुविधा हुई है। ओडिशा के एयरफोर्स स्टेशन के रनवे, उसका भी लोकार्पण हुआ है। और भविष्य में ये सिर्फ रनवे नहीं, भारत की सुरक्षा का, एयरफोर्स का
एक बहुत बड़ा केंद्र विकसित होने वाला है। मुझे याद है मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार को ढेर सारी चिट्ठियां लिखी थी, अनेक बार प्रयास किया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इस काम को, इस निर्माण को रोकने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। एयरफोर्स के लोग कहते थे कि ये लोकेशन भारत की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन नहीं करते थे। 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस सरकार इसकी फाइलें को लेकर के बैठी रही। डेढ़ साल पहले मैंने इस रनवे के काम का शिलान्यास किया था। मोदी जो संकल्प लेता है वो पूरे करता है। दिशा के ये रनवे आज उसका लोकार्पण हो गया, ये उसका उदाहरण है। और यही तो है मोदी की गारंटी। साथियों, 20-25 साल पहले का एक वो भी समय था जब उत्तर गुजरात में अवसर बहुत ही सीमित थे। तब किसानों के खेतों में पानी नहीं था, पशुपालकों के सामने अपनी चुनौतियां थी, औद्योगिकरण का दायरा भी बहुत सीमित था। लेकिन भाजपा सरकार में आज स्थितियां लगातार बदल रही। आज यहां के किसान साल में 2-3 फसल उगाने लगे हैं। पूरे इलाके का जल स्तर भी ऊंचा उठ गया है। आज यहां जल आपूर्ति और जल स्रोतों से जुड़ी 8 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। इन पर 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। इससे उत्तर गुजरात की पानी की समस्याओं को दूर करने में और मदद मिलेगी। उत्तर गुजरात के किसानों ने टपक सिंचाई जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी को जैसे अपनाया है वो अद्भुत है। अब तो मैं यहां देख रहा हूं कि केमिकल मुक्त प्राकृतिक खेती का चलन भी बढ़ने लगा है। आपके प्रयासों से पूरे देश में किसानों का उत्साह बढ़ेगा। भाई और बहनों, हम इसी तरह विकास भी करेंगे और विरासत भी सहजेंगे। अंत में इस दिव्य अनुभूति का भागीदार बनाने के लिए मैं एक बार फिर आप सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद जी।